बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस वीडियो। बिजनेस स्टैट्स फॉर सेकेंड ईयर कॉमर्स चैप्टर नंबर 4 कंटिन्यू है। एवरेजेस एक्सरसाइज नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4.33 हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। और ये क्वेश्चन सारे जो है बुक है शाहिद जमाल की, मैं उसके अकॉर्डिंग करवा रही हूँ। सो याद रहे हियर द क्वेश्चन। आज से जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं ये 4.33। अब यहाँ से देखें, मॉड फाइंड तो करना है, बट मॉड वैसे फाइंड नहीं करना जैसे अभी हम इसके प्रीवियस क्वेश्चन में फाइंड करते आए हैं, ठीक है। इसमें अब यहाँ से अप्लाई होगा एक मॉड का फॉर्मूला। और ये देखें, ये क्वेश्चन हमारे पास ग्रुप डाटा वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि मीन और मीडियन में भी आए थे, और अब बारी है मॉड की, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला मैं बता देती हूँ, फिर इसके ये क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे कि उस फॉर्मूले के, जैसे हम मीन अपना और मीडियन फाइंड करते आए जो ग्रुप डाटा वाले होते थे, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई करते थे और फिर बस अपना क्वेश्चन सॉल्व करते थे, ठीक है। तो यहाँ भी अब मॉड को हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो चलें मैं आपको फिर फॉर्मूला बता देती हूँ, बुक से ही बता देती हूँ, क्या क्या अच्छे से आप लोगों को नज़र आ जाए। सो ये देखिए, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप डाटा, यानी कि जो फॉर्मूला क्वेश्चन मैंने जैसे आपको बताया था वैसा क्वेश्चन अगर आएगा तो ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा मॉड के लिए, ठीक है। ये वाला फार्मूला यहाँ पे इसकी डिटेल में लिखा हुआ है कि ये एल से हमारे पास क्या आ जाते हैं, विड्थ ऑफ मॉडल ग्रुप, ठीक है। इसी तरह से एफ एम का मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये रहा एफ एम और नीचे भी एफ एम है, और फ्रिक्वेंसी ये एफ वन यानी कि फ्रिक्वेंसी प्रिसीडिंग टू मॉडल ग्रुप। ये मैं आपको बताती हूँ उर्दू में, फिर करके बताऊंगी जब वो हम पूरा बना लेंगे टेबल, ग्रुप डाटा पूरा जब बना लेंगे फिर मैं आपको समझा दूंगी अच्छे से, ठीक है। इसी तरह एफ़ टू की फ्रिक्वेंसी फॉलोइंग टू मॉडल ग्रुप, ये भी मैं आपको फिर इंशाल्लाह सब बता दूंगी। बस आप देख लें ये है फॉर्मूला। और ये देखें मॉड को किस तरह से शो करते हैं, मीन और मीडियन किस तरह से शो करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। तो ये देखें मॉड को भी देख लें किस तरह से शो करते हैं। एक्स होते हैं एक्स के ऊपर एक छोटा सा इस तरह से ना यू करके होती है, ये देख लें अगर आपको नज़र आ रहा हो। इसी तरह से ये देखें, ये क्वेश्चन है इसका, यहाँ पे आपको एग्जांपल मिल जाएगा। ये देखें, ये क्वेश्चन भी वैसे ही क्लास इंटरवल बनी हुई है, देखें इस तरह से बनी हुई है, 2, 2, 4, 5, 2, 7 जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे इसका एग्जांपल देख सकते हैं कि किस तरह से सॉल्व हुआ है, ठीक है। मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ, बाकी इंशाल्लाह ऐसे ही मैं सॉल्व करवाऊँगी उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। और वाला क्वेश्चन भी जो बुक में है आपके 4.33, ये देख लें इस तरह से हमने बनाना होगा। इसकी क्लास इंटरवल, फ्रिक्वेंसी, क्लास बाउंड्रीज और जो जो चीज़ें हमें बनानी होगी फिर बनाएंगे, और फिर देखें फॉर्मूला अप्लाई करके हमारे पास इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये छोटा सा बस कैलकुलेशन होगी, फिर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो चलें फिर सॉल्व करते हैं 4.33। फॉर्मूला आप अपने कॉपी में लिख लें अच्छे से, बस वो पूरा फॉर्मूला याद होना चाहिए ये वाला, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लें, इस फॉर्मूले की बस ज़रूरत है हमें इस ऐसे वाले क्वेश्चन में जो भी मॉड हम फाइंड करने जा रहे हैं, ठीक है। सो ये देखिए मैंने फॉर्मूला यहाँ ऊपर लिख दिया है, और ये हमारे पास क्लास इंटरवल जो फ्रिक्वेंसी यानी कि जो ग्रुप और फ्रिक्वेंसी गिवन है हमारे पास जो कि क्लास इंटरवल्स में, यहाँ पे मैंने पूरी लिख दी है, ठीक है। यही क्वेश्चन है हमारा। अब हमें देखना होता है कि अगर क्लास इंटरवल यानी कि जो ये ग्रुप हमारा भी जो गिवन है यानी कि क्लास इंटरवल्स, ये देखना है ये क्या इक्वल है कि नहीं। जैसे कि यहाँ देखें 10 है, 14 के बाद देखें यहाँ पे 14 से फिर से स्टार्ट हो रहा है, फिर 18 से फिर देखें यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, फिर 22 फिर 22 से फिर यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। इट मीन्स ये बराबर है, ठीक है, ये बराबर है। और अगर ये बराबर ना हो कि यहाँ 14 है तो यहाँ 15 हो, फिर यहाँ 18 है तो यहाँ 19 हो, तो हमें फिर बराबर करना होता है कैसे, क्लास बाउंड्रीज बनानी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो ये ऑलरेडी बराबर है तो हमें बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन मैं आपको फिर भी बता दूँ जब इस तरह के क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है, मॉट के, तो उसमें हमें क्लास बाउंड्रीज बनानी तब होगी, यानी कि बस ये 3 हेडिंग्स आ सकती है हमारे पास क्वेश्चन में, ठीक है। ये 3 हेडिंग्स हमें इस क्वेश्चन में बनानी होगी, अगर वरना वैसे 2 होगी, लेकिन वैसे 3 इस तरह से करनी पड़ेगी, क्लास बाउंड्री सबको बनानी पड़ेगी, लेकिन सिर्फ तब जब बराबर नहीं होगा, ठीक है। अभी तो ये बराबर है, ठीक है, ये बराबर है तो हमें नहीं बनानी, तो इसलिए मैंने आपको बस यहाँ पे बताया कि अगर ना हो तो इस तरह से 3 हेडिंग्स आएंगी, और अगर बराबर है तो फिर बस 2 हेडिंग्स के साथ आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, फिर अपना आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी ये हेडिंग नहीं आएगी, सिर्फ मैंने आपको यहाँ लिखने के बताया था क्या कि जब अगर आए हेडिंग, अगर इस तरह से क्वेश्चन बराबर ना हो, अगर आपको बनाना पड़े तो आपने इस तरह से 3 हेडिंग से बनाना है, ठीक है। तो वैसे अभी नहीं बनानी, ये क्लास बाउंड्रीज की हेडिंग भी नहीं डालिएगा और फिर बनानी भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास क्वेश्चन बराबर ही है, ठीक है, इक्वल है। अच्छा, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं बता देती हूँ कौन कौन सी क्या क्या वैल्यू हो जाएगी। ये हमारे पास देख लें मॉड को इस तरह से शो किया जाएगा, ये एक्स और एक्स के ऊपर एक छोटा सा इस तरह से, ये उल्टा वी कह लें इसको इस तरह का, ठीक है। और एल और ये सब मैं बता देती हूँ, ये एफ एम यानी कि फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम यानी कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, और ये एफ वन और ये दोबारा से एफ वन और ये एफ टू, मैं सब आपको बताती हूँ, और एच भी सब बताती हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने सब लिख लिया है, तो सबसे पहले तो इस तरह से आपने डाटा बनाना है, और ये जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है इसमें हमने ढूंढना है फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम यानी कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी,
सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है, 7 ये सबसे बड़ा नंबर है इन सब में, नहीं 11 भी नहीं है, 28 भी बड़ा नंबर नहीं है, 33 सबसे बड़ा नंबर है। तो देख सकते हैं 15 भी छोटा है, 12 भी छोटा है, 6 भी छोटा है, सारे नंबर छोटे हैं, सबसे बड़ा नंबर ये है, यानी कि इसके बाद कोई और नंबर नहीं है, 33 सबसे बड़ा नंबर है। तो ये हमारे पास जो क्लास है ना, ये हमारे पास ग्रुप कहलाएगा, ये ग्रुप, ठीक है, ये क्लास हमारी कहलाएगी पूरी। तो इसको हमने मार्क कर लेना है, तो इस तरह से कर लेना है आप लोग ने मार्क, क्या कि याद रहे ये सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो आ जाते हैं ये एल, एल सबसे पहले जो हमारे पास ये है फॉर्मूले में, एल क्या होगा, एल मैंने बताया था लोअर क्लास बाउंड्रीज या लोअर क्लास लिमिट को कहेंगे, ठीक है। तो ये अभी हमारे पास क्लास इंटरवल्स है, तो इसमें ये हमारे पास लोअर होती है, ये अपर होती है, तो ये हमारे पास लोअर हो जाएगी, ठीक है। तो ये लोअर क्लास लिमिट होती है, ये अपर क्लास लिमिट होती है, तो इसमें लोअर ये है, तो ये 22 हमारे पास एल हो जाएगा। इसी तरह से एच हमारे पास क्या होगा, एच को दोनों को माइनस करके आता था, जैसे कि मीडियन में भी हमने किया है, तो ये भी सेम वैसे ही है। तो ये 22 को माइनस कर दें, 26 को माइनस कर दें 22 से, माइनस 22 से, तो ये देखिए हमारे पास आंसर कितना आ रहा है, 4। तो इट मीन्स हमारे पास जो एच हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 है, ठीक है। इसी तरह से FM यानी कि फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम, सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी मैंने बताया था ये है 33, तो ये 33 सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी है। और F1 हमारे पास क्या हो जाएगा, FM मैंने बता दिया 33 होती है सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी, कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पे, सबसे बड़ा जो भी नंबर होगा। और F1 वो कहलाएगी जो जो सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी होगी उसके ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी F1 कहलाती है, और F2 उसके नीचे वाली कहलाती है, ठीक है। तो वो कोई भी नंबर हो सकता है, तो F1 हमारे पास देखें 28 बनती है, और F2 हमारे पास 15 बनेगी, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को उससे बताया है ऐसे ही अलग से लिखकर, वरना आप लोगों को पता चल जाए तो आप फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी मैं डायरेक्ट पुट करने जा रही हूँ फॉर्मूले में, ठीक है, मॉड को इस तरह से शो करना है और बस पुट करना स्टार्ट करना है। एल हमें पता है कितना, 22 है, 22 के बाद प्लस का साइन है, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर रही हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद FM 33 और माइनस करना है इसको F1 से जो कि है 28, और फिर नीचे आ जाते 2, और इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे 33 को यहाँ नीचे 2 के साथ, क्योंकि ये फॉर्मूले में देखें 2FM लिखा हुआ है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई शो कर रहा है, ठीक है ना। तो इसको ब्रैकेट में लिखना है आप लोगों ने हमेशा, और फिर माइनस F1 यानी कि 28, फिर माइनस F2 यानी कि 15, इस तरह से देखें, और देन मल्टीप्लाई बाय H यानी कि 4। तो इस तरह से आपने फॉर्मूले में डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, अगर आपको पता है अपनी क्लास जो कि ऐसी क्लास आपने नोट करनी है, देन आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, ये लिखने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। अगर प्रेजेंटेशन वाइज कह लें तो ज़रूरत है, वैसे तो आप चाहें तो ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है। टाइम आपका फिर जल्दी हो जाएगा, आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो चलें सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, इसमें पता है सबको, तो बाकी चीज़ें जब तक वैसी ही रहेंगी जब तक ब्रैकेट सॉल्व ना हो जाए। तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 33 इज 66, माइनस 28 माइनस 15, देन मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। अब क्या करना है, अब ऊपर वाली और नीचे वाली वैल्यूज़ को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और फिर जो बचेगा वैल्यू वो लिख देंगे। सो इस तरह से माइनस किया 33 को 28 से, तो 5 वैल्यू आएगी, और 66 माइनस 28 माइनस 15 तो आएगी हमारे पास वैल्यू 23, देन मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास, अभी यहाँ सिंगल है, यहाँ सिंगल वैल्यू है, तो हमें क्या करना होगा, जो सिंगल नहीं होती, जो कि ये सिंगल नहीं है, तो इसको भी सिंगल करना है, यानी कि एक वैल्यू में लेकर आएंगे। तो जब तक ये वैल्यू ऐसी रहेगी, और अब क्या करेंगे, हम 23 को डिवाइड कर देंगे, 5 को डिवाइड कर देंगे 23 से, ठीक है। 5 डिवाइडेड बाई 23, तो ये देखें जो वैल्यू आ रही है 0.2, अगर देखें ये 7 है तो 7 5 से बड़ा है, तो इस 1 को मैं 2 बना सकती हूँ, और चाहे तो आप 0.2 भी वैल्यू लिख सकते हैं, देन मल्टीप्लाई बाय 4। एंड देन जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ देखें अब दो साइन है प्लस का और मल्टीप्लाई का, तो अब जब मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले अकॉर्डिंग टू बेटमेस रूल कि सबसे पहले मल्टीप्लाई होता है देन फिर एडिशन होगा, तो फिर जब मल्टीप्लाई करना है तो ये सारी वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करेंगे, याद रहे। तो मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये देखें आंसर जितना आ रहा है 22 प्लस लिखेंगे, जो ऊपर की वैल्यू है वैसे ही उतारेंगे, फिर ये वैल्यू लिखेंगे जो कि है 0.8, और ये 6 तक मैं ले रही हूँ, तो बराबर मैं देखूँगी 9 को जो कि 5 से बड़ा है, तो इस 6 को मैं 7 भी कर सकती हूँ, और आप चाहें तो 0.8 भी लिख सकते हैं या 0.9 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये 6 हमारे पास 5 से बड़ा है, ठीक है। इसी तरह से अब ऐड कर देंगे, एक साइन है हमारे पास, तो बस सिंगल वैल्यू से दोनों, अब दोनों को ऐड कर दें, तो प्लस 22 इक्वल्स टू ये देखें 2.8, और अगर मैं 6 तक लूँगी तो 9 को देखूँगी, तो जो कि बड़ा है 5 से हमारे पास ये 9, तो मैं क्या करूँगी, इस 6 को 7 कर दूँगी,
तो ये रहा इसका आंसर, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो देखें कितना इजी सा है क्वेश्चन, मॉड तो बहुत ही इजी है। वैसे भी मॉड का जो सिंपल वाला होता है उसमें भी हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती, और जो ये ग्रुप डाटा वाला क्वेश्चन होता है मॉड का, ये भी बहुत इजी होता है। बस एक फार्मूला देखना होता है और बस हमें अपना फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम देखनी है टेबल में अपने, एंड देन फार्मूला अप्लाई करके सॉल्व करना है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा जो मैंने सॉल्व करवाया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़।